अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन मंगल कैसा रहेगा, 11 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन आपको एहसास हो सकता है कि कोशिशों के बावजूद काम इस तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते जिस तरह से आप चाहते हैं। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने काम को और अपने एतमाद को कम मत होने दें, कोशिशें जारी रखें। तलबात के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम वक्त साबित हो सकता है। घर के साथ साथ तलीमी अदारों में भी तावन कर सकेंगे। कोशिशें करें बावजू और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और आपको अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के लिए मदद मांगने का मशवरा दिया जाता है। बुरज सौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अरसे से परेशानी का बाइस बना हुआ है। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़वाएं। अपनी ज़िंदगी में मशावरात को अहमियत दें और आपको मशवरा दिया जाता है कि अगर आपको मसलों का शिकार है तो जल्द से जल्द और अपनी पूरी तवज्जो के साथ इनका हल ढूंढने का मशवरा दिया जाता है। अगर किसी से लेन देन का वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आज के दिन आपको अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। नमाज बाकायदगी से अदा करें। बुरज जौजा, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अल्लाह ताला के करीब रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी काम का आगाज़ करना चाहेंगे, इसके लिए भी ये वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। अलबत्ता तहरीरी मुआहदे और शरायत नामा तय करना भी आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कानूनी मामलात में बेहतर होगा कि आप माहरीन की खिदमात सर अंजाम लें। आपकी छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, लिहाजा आज के दिन आपको मोहतात रहकर अपने मामलात में आगे बढ़ना चाहिए। बुरज सरतान, आज के दिन का आगाज अल्लाह ताला का शुक्र और अपनी कामयाबियों के लिए दुआ करने का है। ऐसे काम जो के आज के दिन आपको नामुमकिन नज़र आ रहे थे, इंशाल्लाह आज के दिन आपके लिए वो हल भी हो जाएंगे और मुस्बत नतायज लाने का भी सबब बनेंगे। कुछ अहम कामों में आज के दिन आपको कामयाबी नसीब होगी। ये भी मुमकिन है कि आपसे मुतल्लक कोई गलत फहमी पैदा हो सके, लिहाजा आपको मशवरा दिया जाता है कि इसको उसी वक्त दूर कर दे तो आप अपने मामलात में आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। बुरज असद, कभी कभी हमें वो भी फैसले करने पड़ जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन आज के दिन आपको कुछ मसलों का हल तलाश करने के लिए
काफी ज्यादा मुस्बत रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन आपको डटे रहना होगा। नए मंसूबे पर काम करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दफ्तरी नौयत की मुलाकात में आज के दिन आप दूसरों पर अपनी शख्सियत का तासर बरकरार रख सकेंगे। सदका करना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिहाजा आपको मशवरा दिया जाता है कि सदका करते रहें। ब्रज सुमला, आज के दिन सियारवी महरकात की जानिब से आपको बहुत से मौके मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छे मौके आएंगे, इनसे फ़ायदा उठाएं। ये वक्त बहुत कीमती है, इन दिनों इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इस वक्त को ज़ाया ना किया जाए। इस मौके को तवील अरसे तक अपने मकासद को हासिल करने में इस्तेमाल करें। आप समझते हैं कि आपकी सलाहियतों का एतराफ़ नहीं किया जा सकता, आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगे, तो ये महज एक गलत फहमी है। नतायज कुछ अरसे बाद आपके सामने खुद बाखुद आ जाएंगे, लिहाजा ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ब्रज मिज़ान, आज के दिन इस ब्रज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से खुशगवार लम्हात का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी खुशियां कोई ना कोई कीमत अदा करके ही हासिल होती है, जो के हर शख्स को अदा करनी पड़ती है। सरमायाकारी में मोहतात रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। हर पेशकश फ़ायदेमंद नहीं होती, वक्ती फ़वाइद के लिए बड़े बड़े फैसला आज के दिन आपको करने में मुश्किलात का सामना होगा। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई रद्द अमल दें। पेशेवराना अमूर में खुद एतमादी का मुजाहिरा, लिहाजा आज के दिन आप अपनी आँखों को खुला रखने का मशवरा दिया जाता है। ब्रज अकरब, सख्त वक्त में भी आज के दिन आपको गुजारा करना पड़ेगा, ये बहुत अहम वक्त है, इसके चलते हुए आपको मोहतात रहना पड़ेगा। आज के दिन आपके लिए फ़ायदेमंद इकदामात भी सामने आ सकते हैं, जो कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको चला सकेंगे। आज के दिन जो मौके आपको मिलेंगे वो आपकी सलाहियतों को बेदार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने मिजाज को खुशगवार बनाएं, सरमायाकारी के लिए खुशकुन पेशकश हो सकती है, जो ज़रूरी नहीं है उसको बाद में रहे। पार्टनरशिप से गुरेज करें, जो के आज के दिन आप करेंगे, लिहाजा मोहतात रहें। ब्रज कौस, आज के दिन काम और जाती जिंदगी दोनों ही अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि आप इनको तवाजन में रखें और दोनों को उनके मुताबिक टाइम दें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। नौजवान अफराद अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दें, कामयाबी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यकसुई और एक फैसले पर जमे रहना अच्छा होता है। पेशेवराना तरबियत का नया मौका मिलने का अम्कान है। मुमकिन है कि किसी फनी अदारे की तरफ से तरबीती वर्कशॉप में शिरकत की दावत भी मसूल हो। ब्रज जद्दी, आज के दिन इस ब्रज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से तवानाई फराहम की जाएगी, अहमियत के मुताबिक कामों को तरजीह दे तो बेहतर रहेगा। ये वक्त फ़ायदेमंद तो ज़रूर है, लेकिन
कभी कभी ऐसी उम्मीद पैदा हो सकती है जो शायद ही पूरी ना हो। इनके लिए ख़ास वक्त दरकार होगा। माली मामलात और अहमियत के हामिल भी ये मामलात होंगे। ज़्यादा मुनाफे पर डटे रहने की बजाय खुश असलूबी से मिलने वाले फ़ायदे को आज के दिन हासिल कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बुरज दिलू। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को स्यारवीं हरकात की जानिब से घरेलू मामलात की तरफ काफ़ी मतवज्जो हासिल होगी। माली मामलात के लिए खुले अखराजात आपके रास्ते में सामने आ सकते हैं। ये वक्ती सूरतेहाल है। मायूस ना हो, नई मुलाजमत के मतलाशी ख्वातीन और मर्द हजरात मायूस ना हो, इंशाल्लाह आपका भी दिन आएगा। माली अमूर से मुतल्लक फैसलों के लिए मुनासिब वक्त है। किसी ऐसी जगह या अदारे में सरमायाकारी करें जो कि आपको फ़ायदा दिलाए, लेकिन अपने फ़ायदे में गरीबों का भला ज़रूर करें। ये आपके लिए अच्छी ज़िंदगी की आगाज़ होगी। बुरज हौत। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करें तो आपकी ज़िंदगी में तमाम मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। शिकायत की सूरत में भी बर्दाश्त और तकब्बर का मुजाहरा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों से तवक्कुआत ज़रूर रखें, मगर उन पर आज के दिन बोझ मत डालें। ये आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। पेशेवराना अमूर में मदद करना तवील अरसे के लिए माली मामलों को बेहतर कर सकता है। आज के दिन आपको बड़ी रकम और उधार लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। ये ना हो कि बाद में आप अपने मामला से मुकर जाएं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रोली को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।